Hello everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 4 English Fairy chapter 2 book work. Okay, so let's start. First, take the correct option. One number Jack's mother told him to wear his. अगर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आप बड़ी इजीली ये सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं जैक की मामा ने क्या पहनने को बोला था तीन चीजें पहनने को बोली थी उन्होंने कोट हैट एंड ग्लव्स जैक ऑल द आइटम्स फॉर डेकोरेशन इन अ जैक ने सारे आइटम जो डेकोरेशन के थे उसे किस में रखा था बकेट में ओके थ्री अकॉर्डिंग टू नाउ को स्नोमैन शुड बी मेड आउट ऑफ डैश स्नो नावकों के अनुसार कितनी स्नोबॉल से स्नोबोन स्नोमैन बन जाएगा टू और जो जैक्स था वो कितनी स्नोबॉल का यूज करने को बोल रहा था थ्री तो यहां पर नावकों की बात हो रही है इसलिए आंसर आएगा टू अब आता है आपका फोर स्नोमैन माउथ जैक यूज जैक ने जब उसका माउथ बनाने का, तो का यूज किया था तो पाइन कोव को डेकोरेटेड हर स्नोमैन विदको ने अपना स्नोमैन किससे डेकोरेट किया था हैट एंड स्कॉफ ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आता है मैचिंग देखिए कंपाउंड वर्ड्स आते हैं कंपाउंड वर्ड क्या होता है जब हम दो किसी भी वर्ड्स को मिला के एक नया वर्ड बना देते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड है ना वर्ड्स दैट आर मेड ऑफ टू वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स फॉर एग्जाम्पल स्नो मैन इसको हम अगर स्प्लिट कर देते हैं तो वो बन जाता है स्नो प्लस मैन इज इक्वल टू स्नो मैन तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक मैचिंग है जिसे आपको याद भी करना चाहिए और ये बड़ी ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग मैचिंग लगी मुझे तो भाई आपको भी शायद लगेगी जैसे कि मिल्क मिल्क के साथ एक कंपाउंड वर्ड अगर बनाने को बोलोगे तो आप मैन ही बनाओगे है ना तो आंसर भी यहाँ पर मैन ही है मिल्क मैन ब्लैक बेरीज है ना कुछ चीजें ऐसी जो आपको नहीं पता वील, वील अगर तो हंड्रेड इसका आंसर होना चाहिए चेयर व्हील चेयर ये भी आपका करेक्ट है बट आपकी मैचिंग में चेयर नहीं दिया हुआ है तो आपका क्या आंसर आएगा ब्रो है ना तो ये व्हील व्हील बैरो होता है एक एक पहिया वाली जो होती है ना ठेला गाड़ी उसे बोलते हैं ये अधिकतर यूज़ होती है कहाँ पर जहाँ पर घास काटी जाती है जो माली रहता है गार्डनर वो यूज़ करता है एक पहिए वाली ठेला गाड़ी को यूज़ करता है और उसके अंदर कचरे को जो घास इकट्ठा करके फिर थ्रो करने जाता है या फिर जब मकान बनता है तो जो रेत को ढूंढना रहता है थोड़ा सा मकान बन रहा है थोड़ा कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पर भी एक पहिया गाड़ी में थोड़ा सा रेत भर के लेके जाया जाता है तो उस एक पहिया ठेला गाड़ी को बोलते व्हील हेड, हेड ओके, आई ब्रो। आई ब्रो, ब्रो भी होता है लेकिन आई विटनेस यहां पर आएगा नेक्स्ट डे आपका देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है आपको पढ़ने के लिए फ्रेजल वर्ब वाली अब आपकी एक्सरसाइज आने वाली है तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब फ्रेजल वर्ब क्या होता है वर्ब तो आप जानते हैं क्या होता है लेकिन फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो देखिए ए वर्ब टेक ऑन डिफरेंट मीनिंग वैन इट इज कम्बाइन विद डिफरेंट प्रिपोजिशन यदि ये प्रिपोजिशन के साथ मतलब कोई वर्ब है उस वो प्रिपोजिशन के साथ यदि इंक्लूड हो जाती है तो वो कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब जैसे कि प्रिपोजिशन क्या होती है इन ऑन अप डाउन अप ऑन आफ्टर बिफोर ये सब हमारा प्रिपोजिशन होता है और ये सारे प्रिपोजिशन यदि किसी वर्ब के साथ मिल जाए जैसे कि पिक अप वॉक इन टू पुट ऑन पुट ऑफ पुट अप पुट अवे ये सारी क्या जा क्या बन जाती हैं आपकी फ्रेजल वर्क तो ये आपको याद भी करना पड़ेगा आपके यहाँ दे रखा है जिससे पहला है पुटान तो हमने इस बुक वर्क बुक में के एक्सप्लेनेशन में पुटान का यूज़ सुना है जब उसकी मम्मी बोल रही थी कि आप स्वेटर पहन लो विंटर के कपड़े पहन लो है ना तो पुट ऑन का यूज़ कहाँ होता है टू वियर समथिंग पुट अवे का यूज़ कहाँ होता है हम किसी ए, किसी चीज़ को स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए वहाँ पर पुट अवे होता है पुट आउट का मतलब क्या होता है हम किसी फायर को बुझाने जा रहे हैं उसको पुट आउट बोलते हैं पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को हमें बंद करना है उसको पुट ऑफ़ बोलते हैं सिर्फ टिफिन बंद कर लो है ना तो पुट ऑफ पुटअप का यूज कहाँ होगा अगर हमें किसी चीज को उठाना है या कहीं पर कोई फेंसिंग लगानी है वहां वहाँ पुटअप हो जाएगा पुट इन मतलब किसी के अंदर कोई चीज़ को हमें डालना है तो वो पुट इन हो जाएगा ये सारे मीनिंग यदि आपको अच्छे से लर्न हो गए समझ में आ गया तो आप ये जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसको बिना मेरे सॉल्व uh, किए आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं दैट इज़ ऑल द फ्रेजल वर्ब्स अब ये फ्रेजल वर्ब को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है चीटिंग मत कीजिएगा प्लीज़ पहले समझिएगा फर्स्ट नंबर में है द कंसर्न हैज़ बिन डैश अंटिल नेक्स्ट मंथ तो यहाँ पर उसका यूज़ आया पुट ऑफ मतलब उस चीज़ को उसने बंद कर दिया है अगले महीने को वो करेगा है ना वी डैश वॉम क्लॉथ इन वंटर अब क्लॉथ को पहनने की बात आ रही है तो भाई पुट ऑन ही आएगा ऑफ तो आएगा नहीं उतारने को तो बोल ही नहीं रहा है उस चीज़ को फिर नेक्स्ट आई डैश द डिक्शनरी एंड कैप्ट इट ऑन द सेल्फ मतलब मैंने वो डिक्शनरी को क्या किया शेल्फ के अंदर जाकर रख दिया है ना तो पुट अवे उस डिक्शनरी को जाकर रखा है द नेबर्स डैश द फायर फायर की बात आ रही है मतलब बुझा देना है उस चीज़ को तो पुट आउट आएगा जॉन डैश अ फेंस अ फेंस की बात आ रही है मतलब जो उनका ग्राउंड है उसके चारों तरफ फेंस लगना है तो नॉर्मल सी बात है फेंसिंग की बात आ रही है तो पुट अप आएगा अब यहाँ पर बोला शी डैश अ लॉट ऑफ एफर्ट इन प्रोजेक्ट मतलब उस लड़की ने बहुत अपना एफर्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर दिखाया तो किसी चीज के अंदर कोई चीज़ हमने दिखाई है तो दैट इज पुट इन ठीक है तो ये आपका फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज हो गई और मैंने इससे पहले फ्रेजल वर्ब क्या है प्रिपोजिशंस क्या है ये सब चीज़ एक्सप्लेन कर दी है अब नेक्स्ट आपका आता है ग्रामर पोर्शन में प्रोनाउन प्रोनाउंस सब लोग जानते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है जो नाउन के प्लेस में यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन लेकिन प्रोनाउन भी प्रकार होते हैं उसके जिसमें इसमें धीरे धीरे वो टाइप्स को बताया जा रहा है जैसे कि अभी आप पढ़ने वाले हैं सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन है ना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ठीक पर्सनल और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को पढ़ोगे आप लोग और उसके बाद आपको पोजिसिव प्रोनाउन भी आपको पढ़ना इससे ज़्यादा आपको यहाँ पढ़ने के लिए नहीं बोला गया तो जितना बोला उतना ही मैं एक्सप्लेन करूँगी तो जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपको यहाँ लर्न करना है आपकी बुक में ऑलरेडी हाईलाइट है रेड कलर से प्लीज़ उसको लर्न कीजिए वट इज़ पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन है आई यू ही वी शी यू हर हिम दे दैम दे, यदि आप इनको याद कर लोगे तो आपको एक्सरसाइज करने में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और यदि याद नहीं करोगे इसको स्किप करके सिर्फ एक्सरसाइज स्टिक कर लोगे तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है ठीक है तो ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं ठीक पर्सनल प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है हम उसको सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं हम उसे ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं तो ये देखिए सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा यूज करते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं सब्जेक्ट के लिए हम उस कौन से प्रोनाउन को यूज करते हैं यू आई ही शी इट दे वी है ना ऐसे याद करो इसका सीक्वेंस थोड़ा मुझे सुंदर सा नहीं लग रहा है मैं जो बोल रही हूँ उसको याद करो और कोई एक वीडियो में प्रोनाउन का बनाऊंगी उसमें वो सीक्वेंस भी आपको अच्छे से डील करूँगी ऐसे याद करो आई वी यू ही शी इट दे ऐसे याद करो हो जाएगा उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हो ये मेरी टेक्निक थी वैसे ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन देखो इट हमारा ना सब्जेक्ट uh, में भी यूज़ होता है और इट हमारा ऑब्जेक्ट में भी यूज़ होता है क्योंकि इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है है ना बाकी सबका चेंज हो जाता है आई का क्या हो जाता है मी बन जाता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बोल रही हूँ ना यहाँ उल्टा सीधा दे रखा है देखो आई का मी बन जाएगा यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ठीक है ही का क्या बन जाएगा हिम बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन शी का क्या बन जाएगा उसका भी नहीं उसका हर बनता है शी का हर बना ठीक है इट का इट बना और दे का देम बना इन्होंने शी का यहाँ नहीं दिया हुआ है ठीक है तो ये समझ में आया आपको ऑब्जेक्ट प्रणाम अब हम करेक्ट प्रोनाउन को यहाँ पे लिखते हैं तो देखो माई नेम इज़ सैम एक सेंटेंस खत्म होता है मेरा नाम सैम है अब दूसरा वो अपने ही बारे में बोलेगा तो माई तो यूज़ करेगा नहीं मी तो यूज़ करेगा नहीं आई यूज़ करेगा और आई के साथ हमेशा एम आता है तो आंसर आएगा आई एम एन इंटम टू नंबर माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लखनऊ ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं वी विजिट ऑफन अब ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ में रहते हैं तो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा होगा दैम दे नहीं होगा वो तो सब्जेक्ट में होता है ना ऑलरेडी यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है वी तो यहाँ पर दैम आएगा थर्ड है लेट लेट एस रीड बोलते हैं जब भी हम बोलते हैं या फिर लेट मी हेल्प यू बोलते हैं लेट आई हेल्प हेल्प यू नहीं बोलते हैं तो यहाँ आंसर आएगा लेट मी हेल्प यू कैरी दोज बुक्स थैंक थैंक असनी कभी बोलते हैं थैंक अस नो थैंक यू तो ये हो गया वेरी मच बट बट के बाद में मी थिंक कोई बोलते है मी थिंक नो सब लोग बोलते आई थिंक आई कैन डू इट ऐसे ही तो बोलते हैं ना तो आई थिंक आई कैन मैनेज समझ में आया फोर नंबर सॉरी 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 ओके ओके यस अब दिख रहा होगा आपको मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था चलिए फोर नंबर है आपका कैन डैश कैन के बाद हम कभी भी वी नहीं लगाते कैन वी टैलस ऐसे कभी नहीं बोलते कैन यू

समझ में आप पार्टी की बात हो रही है फ्लावर्स लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं एक घंटे में यहाँ आ जाएंगे तो प्रिया और वर्षा के लिए यहाँ यूज़ हुआ है दे वी यूज नहीं कर सकते ठीक है वी भी प्लूरल है लेकिन अभी यू वी का यूज़ क्यों नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्यूचर में जा रहा है विल ब्रिंग जा रहा है इस कारण से ठीक है तो आई थिंक आप सबको ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी अब आपका नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन आता है जो मैं आपको बता रही थी पॉजिटिव प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन होता क्या है एक्चुअली में पॉजिटिव प्रोनाउन सच इज माइंड र योर्स एंड आर शो पोजिशन जो पोजिशन को बताते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्रोण मतलब आपका ये बड़ा इजी है आपके क्वेश्चन में दे रखा होगा वो पॉजिटिव प्रोनाउन आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें एस डाल के आगे बढ़ते जाना है ठीक है अगर हर दे रखा है तो आप हॉर्स डाल दो ठीक है योर दे रखा है योर्स डाल दो आर दे रखा आर्स डाल दो यदि दे रखा है तो आपको माइज नहीं डालना है और देखिए मैं यहां पे आपको एक्सरसाइज बताती हूँ जैसे कि फर्स्ट में आप देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन पहले आया तो आपको ढूंढना पड़ेगा यदि आप ऊपर का याद कर लेते चार पांच की ये पॉजिटिव प्रोनाउन है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी तो फर्स्ट सेंटेंस में हर दे रखा है तो देखो मैंने इसको चीज चेंज किया है हॉर्स अब सेकंड में आपने पॉजिटिव ढूंढना है तो वो आर है तो आर का आर हो जाएगा थर्ड में माई है तो माई का माइन होगा माइज नहीं होगा देयर का देयर हो जाएगा योर का योर्स हो जाएगा और लास्ट में हिज का एज इट इज हिज रहेगा अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डेमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमिनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है किसी चीज पे हम एक्चुअली बोल देते हैं ना कि न यही है दैट इज उसी को बोलते हैं डेमिनिस्ट्रेटिव या डेफिनेशन ए द वर्ड दिस दैट दीज एंड दो पॉइंट एट द थिंग एंड पीपल मतलब किसी भी चीज़ के लिए किसी भी इंसान के लिए यदि हम पॉइंट करके बात करते नहीं वही वही दैट इज द बॉय ही हिट मी वही लड़का है जो मुझे मारा ठीक है है ना दैट बिल्डिंग या फिर दोस्त uh, चिल्ड्रन वो बच्चे हैं नॉट है, है. दोस्त चिल्ड्रन आर नॉट ऐसे भी तो इंडिकेशन हुआ पॉइंट हुआ वो होता है आपका डेमोनिस्ट्रेटिव और ये लर्न कर लीजिए चार ही डेमनिस्ट्रेटिव हैं ठीक है दिस दैट डोज एंड दीज अब इन सबका यूजेस पता है बड़ा इजी यूजेस है इसका तो भाई देखिए दिस का यूज तो आप किस में करते हैं जो आपकी चीज पास में रहती है यूज का, का कोई एक पर्सन या कोई चीज जो थोड़ी दूर है अब दीज दीज यानी कुछ ज्यादा लोग या ज्यादा चीजें आपके पास में दीज एंड दोज मतलब कोई ज्यादा लोग या फिर ज्यादा चीजें जो आपसे दूर है ठीक है अब एक्सरसाइज करते हैं इस एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर पे इज डैश माई टी अब आपको इसको पढ़ना है अच्छे से और इसको यूज़ करना है तो इज़ दैट माई टी नहीं होता है है ना दूर तो नहीं रहती है चाहे तो आपके करीब ही रहती है ना इज दिस माई टी है ना आप इसको पढ़िए और करिए तो बहुत सारी चीज़ें ना सेंटेंस जब पढ़ते हैं तो फॉर्मेशन आ जाता है उसमें टू डैश आर नॉट माई शूज़ डैश आर ई शूज दो ये सारी एक्सरसाइज को आप एक बार रीड करके देखिए ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि यहां इसका यूज क्यों हुआ है ठीक है थ्री नंबर पे दिस इज नॉट माइफ माई बाइक द वन ओवर दियर माइंड फोर दिस इज माई फ्रेंड सुचित्रा दैट बॉय स्टैंडिंग नियर द क्लास रूम इज माइक ठीक है फाइव डैश इज नॉट माई हाउस दिस इज नॉट माई हाउस दैट इज माइन दिस इज माई कजन प्रशांग. the bicycle park on the left side. लेफ्ट uh, left is my brother's, this is mine. Those are naughty children. इस टाइप से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है ठीक है अब आता है आपका सिंपल प्रेजेंटेश ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और टें शुरू हो चुका है आपका भाई तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं प्रेजेंट टेंस पास टेंस और फ्यूचर टेंस तो प्रेजेंट टेंस आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है एक्चुअली में सिंपल प्रे... ये इसको याद कर लीजिए बिल्कुल रट लीजिए क्योंकि ये ट्वेल्थ तक काम आने वाले हैं टेंस तो भाई लाइफ टाइम काम आते हैं ठीक है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस टैल इज अबाउट अ हैबिट सिंपल प्रेजेंटेंस हमें हैबिट बताता है रूटीन बताता है स्टेट्स बताता है फैक्ट बताता है तो यही होता है सिंपल प्रेजेंटेंस ये डेफिनेशन है सिंपल प्रेजेंटेंस की है ना और सिंपल प्रेजेंटेंस में क्या होता है Uh, कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हैं जैसे स्क्रैच scratch का स्क्रैचेस हो गया पास का पासेस हो गया इटमीन यहाँ पर ई एस या ई एस को ऐड किया जाता है जोड़ा जाता है वर्ब में एस या ई एस को जोड़ा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा ये इसका फॉर्मूला है जिसे स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ऐसे ई एस का यूज़ कहाँ होता है तो देखिए ऐसे ई एस e का यूज़ जिसके वर्ब के लास्ट में एस एस एच सी एच एक्स एस एस जेड और वो ओ ये सब आता है तो वहाँ ऐसे ई एस का यूज़ होता है तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़िए याद भी कीजिए बहुत सारी चीज़ें जिसे आप लर्न करना है अब यहाँ पर है देखिए एक और चीज़ है अगर आपकी वर्ब में वाई आ रहा है तो आप वाई काट के वहाँ क्या लगा देंगे आई ई एस तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि वर्ब में वाई आ रहा है तो काट के आई ई एस आपको ऐड करना है और यदि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब में वॉवल प्लस वाई आ रहा है मतलब कि जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना प्लेज मतलब वाई तो क्या हो गया उसको काट के अभी बताई हूँ कि आई ई एस जोड़ना है लेकिन वाई के पहले क्या है ए है और वॉवेल आपके पाँच प्रकार के होते हैं ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल आ गया मतलब यहाँ पे आपको ई एस नहीं जोड़ना है एस जोड़ना है चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट में वेक है तो वेक में आप क्या डाल देंगे भाई एस डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो वाई है और ना ही उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो वेक का वेक्स हो जाएगा वेकिज नहीं होगा वेक्स कुछ लर्न भी कीजिए कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं है ना हरी हरी है मतलब वाई को काटो भैया आई एस जोड़ दो गो ओ है मैंने बताया था अभी ओरली कि ओ अगर आता है तो गोज़ होता है वैसे भी हम गो का सिंपल में गोइंग ही करते सॉरी गोज़ करते हैं अब कम है तो कम सो जाएगा लव का लव हो जाएगा इसको याद कर लो तो आप जैसे वो देखेंगे ना ब्रैकेट में तो आपको ऑटोमेटिकली समझ हो जाएगा कि ये हमको तो ये लिखना है लव का लव कैरी कैरी में वाई का टो तो आई एस हो जाएगा गिव का गिफ्ट जाएगा स्लिप स्लिप का स्लिप्स हो जाएगा ठीक है तो ये हमारी चीज़ ख़त्म होती है उसके बाद ये क्रिसमस पार्टी चल रही है भैया इसमें एक करके दे दी हैं आपको ये पैराग्राफ को अरेंज करना है सेंटेंस में और रफ कॉपी में लिखना भी है मैंने यहाँ पर वन टू थ्री फोर डाल दिया है आप इसको रीड कीजिए और इसको अरेंज करके लिख के देखिए और एक स्टोरी बन जाएगी और स्टोरी कमेंट में अगर आप डाल सकते हैं तो बिल्कुल डाल दीजिए नहीं तो अपने पेरेंट्स को सुनाइए अपने टीचर्स को सुनाइए राइटिंग स्किल भी आपका इंप्रूव हो जाएगा इससे अब आता है पंक्चुएन देखो पंक्चुएशन क्या है पंक्चुएशन में यहाँ पर हमने दिया एफेस ट्रॉफी तो एफेस ट्रॉफी का यूज़ कहाँ होता है एफ ट्रॉफी का मतलब होता है का एफेस ट्रॉफी मतलब जो एस लिखा रहता है ना उसके ऊपर एक कॉमा लगाते हैं उसको बोलते हैं एफिस ट्रॉफी मार्क है ना उसका मतलब होता है का जैसे बोलते हैं ना माय मदर्स नेम इज सो एंड सो तो ये थोड़ी बोला जा रहा है मदर्स मतलब बहुत सारी मम्मियों का नाम होता है नहीं मेरी मम्मी का नाम है सो एंड सो तो वो जो का है ना वो एफेस्ट्रॉफी ऐसे तो आपको यहाँ पर वही करना है ठीक है एफेस्ट्रॉफी लगाना है तो फर्स्ट में देखो अंजना है अंजनास तो एफेस्ट्रॉफी लगा दो तो अंजनास रोहित्स रु, एफेस्ट्रॉफी रोहित्स ऐसी मीन्स फिर नेक्स्ट मदर्स फिर नेक्स्ट डैट्स नेक्स्ट रघुस है ना तो ये एफस्ट्रॉफी एस लगाने पर हमको पता पड़ जाता है कि ये का की बात कर रहे हैं मतलब उसका ठीक है अब आपने इस चैप्टर में क्या वर्ड बैंक सीखे राइट द नेम्स ऑफ थ्री विंटर क्लॉथ्स क्लॉदिंग्स फ्रॉम द स्टोरी आपने इसमें तीन आपको विंटर क्लॉथ लिखना है जो आपने स्टोरी में सुना बच्चों ने पहना तो जल्दी से याद होना चाहिए कि बच्चों ने क्या पहना था कोट ग्लव्स हैट एंड स्काफ चार चीज पहनी थी बट ये तीन पूछ रहा है लेकिन आप चारों को याद कर लीजिए स्पेलिंग आप भूलेंगे ही नहीं इसकी स्पेलिंग है ना ये तो हो गया मेरा बुक वर्क का एक्सप्लेनेशन वीडियो ओवर नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ जिसमें होंगे क्वेश्चन आंसर्स किसने किससे कहा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जिसके आंसर आपको भी देने होंगे मेरा सुनने से पहले ओके okay, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ये वीडियो यहीं पर ओवर होता है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर पोर्शन था बेटा आपकी बुक में वाकई बहुत अच्छे से डील दिया हुआ है यदि आप उस रेड पोर्शन को अच्छे से पढ़ते हैं याद करते हैं समझते हैं लिख कर देखते हैं एक्सरसाइज खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं तो हंड्रेड परसेंट श्योर आपके फंडा क्लियर होते चले जाएंगे ठीक है तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाय